गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड। एक सेंटेंस क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड, मतलब अलग अलग वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग वर्ड से मिलके बनता है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा है, तो इसमें राम इज ये सब क्या है, वर्ड है, उनसे मिलकर एक सेंटेंस बना है। तो अ सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड। एक सेंटेंस क्या होता है? वो अलग अलग वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स दैट अ सेंटेंस बिकम्स मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल। और इसी इसलिए इन वर्ड से मिलके ही सेंटेंस का कोई अर्थ निकलता है, और इन वर्ड्स की वजह से ही वो समझ में आता है कि सेंटेंस का मतलब क्या है। जैसे राम, राम क्या है? एक नाउन है। इज क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है? वर्ब है, गो मतलब जाना। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। स्कूल क्या है? वो नाउन है। तो इन वर्ड्स की वजह से ही हमें ये बात का पता लग रहा है कि राम स्कूल जा रहा है। अगर इसमें राम नहीं हो, है, हम बोलते इज गोइंग टू स्कूल, तब भी उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। या राम गोइंग टू स्कूल, तब भी गलती हो जाएगा, तब भी कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी उसमें। तो इन वर्ड्स की वजह से ही, अब मान लो हम बोल दे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू बोल दे, स्कूल ना बोले, तब भी उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो हर एक वर्ड की एक वैल्यू है, हर एक वर्ड की एक इम्पोर्टेंस है, और इन वर्ड्स को मिला के पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो इन वर्ड को मिला के जो हम सेंटेंस बनाते हैं कंप्लीट, उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। तो ये सारे वर्ड्स, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अलग से बाद में एक एक करके इसको पढ़ेंगे। बस आज इतना समझ में आना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जो भी सेंटेंस होते हैं और उसमें जो भी वर्ड होते हैं, हर एक सेंटेंस में कुछ वर्ड होते हैं, उन वर्ड का कुछ अर्थ होता है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, गोइंग भी एक वर्ड है, टू भी एक वर्ड है, स्कूल भी एक वर्ड है। इनका कुछ ना कुछ अर्थ है और इनको मिला के सेंटेंस बना है। तो इन वर्ड को ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।